तुम्हें सच में सिट से प्यार नहीं है ये साबित करना है तो लिख दो सिट का नाम मेरे हाथों में, वरना मैं ये समझूंगी कि तुम अभी भी सिट से प्यार करती हो। कतई जहर, ये क्या कहर मचा रखा है? इतना तो पता ही होगा तुम्हें कि एक विधवा के अपशगुन कदम शादी के शुभ रस्मों में नहीं पड़ने चाहिए। अब मैं आशी की मौत चाहती हूँ। मेरी सिट की हम सबकी जिंदगी से उसका खेल खत्म करना है मुझे। मेहंदी कैसे? सिद्धार्थ का नाम? नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। किसी ने देख लिया तो पानी। ये रंग तो छूट ही नहीं रहा। आशित, तुमने मेहंदी लगाई है? दिखाओ तो जरा, दिखाओ, मुझे भी तो दिखाओ, दिखाओ ना। सिट का नाम, तुमने मेहंदी से सिट का नाम लिखा है? नहीं गीत, गीत गीत प्लीज हमको गलत मत समझना, हमने मेहंदी नहीं लगाई है। हम तो जानते भी नहीं कि मेहंदी हमारे हाथ में कैसी लगी। गीत, सच में ये भक्ति से निधि की शरारत होगी। गीत, हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज हमारा यकीन मानो। हम नहीं जानते सब कैसे कब। मैं जानती हूँ आशी, अब तुम इसे भगवान का इशारा समझो या फिर किस्मत का लिखा, पर शायद होनी तो यही है। वरना तुम खुद बताओ, सिट का तुम्हें इस तरीके से मिलना, तुम दोनों का बार बार टकराना, न जाने कितनी बार सिट का तुम्हारी जान बचाना, तुम्हें हर मुसीबत से निकालना, और कल सिट के नाम की हल्दी तुम्हें लगना, और फिर अभी अभी ये मेहंदी से सिट का नाम तुम्हारी हथेली पर आना, ये सब भगवान का इशारा ही तो है आशी। वो भी कहना चाह रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। सिट की किस्मत में मैं नहीं, तुम लिखी हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो आशी। ठीक, क्या कह रही हो? सही तो बोल रही हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ इसीलिए तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता, पर मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि किस्मत में तो कुछ और ही होनी लिखी है, जोड़ी तो किसी और की बननी है। सिट तुमसे प्यार करता है और ये बात तुम्हारे हाथों की लकीरों ने भी साबित कर दी है आशी, कि सिट तुम्हारा भाग्य है और मैं तुमसे तुम्हारा भाग्य नहीं छीन सकती, तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती हूँ। यही सही वक्त है आशी, भगवान का इशारा समझो, अपने भाग्य का संकेत सुनो, अपने हाथों की लकीरों को देखो, इन हाथों में सिट का हाथ थामो और जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ना मत सोचो आशी, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है, सिर्फ इम्तिहान लेती है, और तुमने तो इम्तिहान का दरिया पार कर दिया है। अब जब मौका मिल रहा है तो अपनी किस्मत बदल लो, तुम यहाँ रह करके अपनी जिंदगी कभी नहीं संवार पाओगी। देखो अपनी जिंदगी का ये सफेद रंग, यहाँ रहोगी तो बेरंग ही रहोगी। तुम अमृता आंटी को नहीं जानती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है जो उन्होंने कल करने की कोशिश की वो वापस नहीं करेंगी? अमित अंकल से डर जाएंगी, उनकी बात मान लेंगी? नहीं आशी, तुम तो जानती हो ना कि अमित अंकल की भी अमृता आंटी के सामने नहीं चलती है। अमृता आंटी जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके ही रहती है। तुम्हारा क्या हाल होगा सोचा है? अपने दिल की बात सुनो, तुम सिट से प्यार करती हो, तुम भाग जाओ उसके साथ। हाँ आशी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ आशी, जाओ प्लीज।
आशी माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। आंटी देखिए ना, मेरे हाथों में बहुत इचिंग हो रही है, शायद वो मेहंदी ने कुछ रिएक्शन कर दिया। अरे बाप रे। अच्छा अच्छा सुनो, हम तुम्हारे लिए सरसों का तेल लेकर आते हैं, उससे खुजली चली जाएगी। हाँ जरा रुको, दो मिनट। ठीक है आंटी, मैं वहाँ हॉल में ही रहूंगी नीचे। अरे बाप रे, पैर में मोच आ गई। माँ हो, मोच को तुम क्यों नहीं आ गई? माँ मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही है। ये देखना, इसे मोच आई है। माँ ये तो गिरते रहती है, आप मेरे साथ चलो, मेरी ज्वेलरी ढूंढ के दो, वरना मैं शादी में क्या पहनूंगी। बोलो आशी, बोलो बोलो सिट को कि तुम उसके साथ भागना चाहती हो। यहाँ तुमने सिट को बोला और वहां मैंने अमृता आंटी के सामने अपना मुंह खोला, क्योंकि मेरे सिट को तो पता भी नहीं है कि तुम क्या कहने वाली हो। वो बेचारा तो सारी खबरों से अनजान है। इसे कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। मैं तो सिर्फ अमृता आंटी का वेट कर रही थी, उनके जहर का कहर मचने का वेट कर रही थी, और यहाँ तो भगवान जी ने जहर का पूरा भंडार दे दिया। विनोद अंकल तो बिना किसी जांच पड़ताल के आशी की जान ले लेंगे, मजा आएगा। आशी मैं ये क्या, मेरी लिखी कहानी में ये कैसा ट्विस्ट है? क्या हुआ आशी, ये सब क्या है? ये फोन करके यहाँ क्यों लाए? हमें गांव जाना है। ये साल बीत गए, अपना घर, अपनी बिट्टी को देखे हुए। बाबा प्लीज हमें वापस ले चलिए, हमारे घर, हमारे गांव, प्लीज बाबा। शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। अब जो कुछ भी है यही है। अगर तू यहाँ से गई तो सबको क्या लगेगा? कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, तो गुस्से में ससुराल छोड़कर जा रही है, फिर क्या होगा? इस घर की बदनामी, और ये बदनामी हम होने नहीं देंगे। तुझे क्या लगा तुम बोलोगी और हम तुम्हें अपने साथ गांव लेके जाएंगे? हम गांव के मुखिया हैं, अगर हम तुम्हें गांव लेके गए तो सबके मुंह खुलेंगे, हजारों सवाल उठेंगे। नहीं आशी नहीं, जिस समाज ने हमारे माथे पे हमेशा तिलक लगाया हो, उस माथे पे हमें कलंक नहीं चाहिए। पर बाबा हम बस जो कह दिया सो कह दिया। डैम यू विनोद अंकल, मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। पर जो भी हो, मैं साशी को तो नहीं छोड़ूंगी। शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। जिस समाज ने हमारे माथे पे हमेशा तिलक लगाया हो, उस माथे पे हमें कलंक नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ पे? इतनी सुबह सुबह कौन कुल्फी खाता है? मैं खाता हूँ।
सिद और आशी की लव स्टोरी में तो ब्रेक ही नहीं लगा, खत्म ही नहीं हो रही है। इस बार तो तुम बच गए आशी, लेकिन कब तक बचोगे? शिकारी जब शिकार के पीछे लग जाता है ना, तो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका शिकार न कर ले, और तुम्हारा वो शिकार करूंगी मैं। अपनी विदाई से पहले तुम्हें इस घर से विदा करके रहूंगी। चलो फूल मूल रखो, अब तक रखा क्यों नहीं है? और ये क्या है? पूजा की सामग्री नहीं आई अब तक? हाँ पंडित जी आ गए, मेहमान आने वाले, शादी आज ही है, कल परसों नहीं है, जाओ। क्या जी अभी? एक हमारे पति परमेश्वर, पता है शादी वाला घर है, आज ही शादी है, लेकिन नहीं, आज के दिन ना इन्हें स्टोर पे जाना बहुत जरूरी था। जी हम किसी को ढूंढ रहे हैं। मिठाई वाले को तो फोन करना ही भूल गए हम। अमृता सिस ने जो धुआंधार तैयारियां की है ना, देख के आनंद आ गया। हाँ वो तो है कामिनी जी, खुद का दुख भुला के सिर्फ हमारी बेटी की खुशियां सजाने में लगी है। बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से हूर परी उतर आई हो। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी गीत एकदम कोरी जीन्स लग रही है ना? वाह जी गॉर्जियस। शेम टू शेम। बहुत अच्छे लग रहे हो सेट। अरे उसे ऐसे ही घूरते जाओगी? हुँ? अभी मुहूर्त को थोड़ा सा टाइम है, तुम आओ हमारे साथ आओ। चलो सेठ बेटा, तू तैयार है ना? जी बाबा। सेठ हम आप भी कह रहे हैं, तू ये जो भी कर रहा है ना सही नहीं कर रहा है। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? ये सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। हाँ सेठ, विकास जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। सिद्ध भाई, हमने आपको भैया माना है, और अपने भाई के साथ ये सब होते हुए हम नहीं देख सकते, अभी भी टाइम है, प्लीज सोच लो भाई। ये फोटो इस फाइल में? आशी को इस घर से निकालने का मिशन शुरू होता है अब।
तुम ठीक हो? हाँ, पता नहीं वो कंचे कैसे यहाँ। हाँ तुमने कुछ कहा? शादी मुबारक हो सिंह। थैंक्स। ये सब क्या था आशी? क्या हुआ गीत? चल क्या रहा है? हाँ देखा मैंने, सब देखा। बेवकूफ नहीं हूं मैं आशी, सच क्या है सब नजर आता है मुझे। तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो ना? हाँ, इतना बड़ा धोखा, इतना गंदा खेल, मेरे जज्बातों का मजाक क्यों उड़ाया आशी? हाँ क्यों उड़ाया, क्यों आशी? गीत ऐसा, गीत, गीत ऐसा कुछ नहीं है। गीत रुको, गीत हमारी बात सुनो, हमारी बात समझो गीत, हम सच कह रहे हैं, हमारे दिल में सिट के लिए कुछ भी नहीं है। और सिट के दिल में ये देखो गीत, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों में? रैशेस? हो गया काम। सिट के नाम की मेहंदी लगाई थी मैंने कल, और उसी मेहंदी से मुझे एलर्जी हो गई, लेकिन फिर भी मैंने ये मेहंदी नहीं मिटाई। जानती हो क्यों? क्योंकि ये मेरे प्यार के नाम की मेहंदी है। बहुत प्यार करती हूँ मैं सिट से, जानती हूँ सिट के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, उसके लिए तो ये शादी भी बस एक मजबूरी है, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी मोहब्बत है ना। आई नो वो ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी जान पे उसके नाम का खतरा है। सब समझती हूँ, इनफैक्ट मैं खुद ये सब कुछ सिर्फ तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। वरना तुम खुद बताओ, अपनी मोहब्बत को किसी और के प्यार में तड़पता देख के कितना दर्द होता होगा मुझे। सब बर्दाश्त किया, करती आई हूँ, बस एक उम्मीद में कि आज नहीं तो कल सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। लेकिन प्लीज संभालो अपने आप को, उसकी शादी मुझसे होने वाली है, लेकिन मैं अब तक ये नहीं जानती कि वो ये रिश्ता निभाएगा या नहीं, कि वो कभी मुझे प्यार देगा या नहीं, कि वो कभी तुम्हें भूल पाएगा या नहीं। ये सब जानने का हक तो है ना मुझे? हाँ आशी, मुझे एक मैसेज टाइप करना है, लेकिन मुझे राशेस हो रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम प्लीज मेरे लिए एक मैसेज टाइप करोगी? हाँ गी, बोलो। मेरा फोन इधर ही होगा कि तुम्हारा फोन तो स्विच ऑफ हो गया है। देखो आशी, मेरी शादी होने वाली है और मुझे शादी से पहले अपने सवालों के जवाब चाहिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, इस फोन के भरोसे नहीं रुक सकती मैं। प्लीज प्लीज मेरे लिए लेटर लिख दो। वो नोटपैड और पेन उधर रखा है। बोलूंगी। हाँ लिखो। सिर्फ मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, और आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं चाहे लाख इनकार कर लूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, लेकिन ये सब कुछ झूठ होगा। सच्चाई तो ये है कि मुझे तुमसे प्यार है, बहुत प्यार है, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरा प्यार, मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरी दुनिया,
मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। जिंदगी ने मुझे बहुत आंसू दिए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि इन आंखों को जो खुशी दे सकता है वो सिर्फ तुम हो। मुझे अब किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए हो। तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारी पत्नी बनना है। बस ये जानना है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, तो बस अपना जवाब दे दो, मुझे इंतजार रहेगा। चलोगी? थैंक यू सो मच आशी, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। अब बस आई होप कि मुझे पता चल जाए कि सिद्ध के दिल में क्या है। थैंक यू सो मच। अच्छा गीतम, ये जो प्रेम पत्र लिखा है तूने, तुझे पता भी नहीं है कि मेरी शादी की कहानी में ये तेरी बर्बादी की निशानी है। मजा आ गया, मानना पड़ेगा दुनिया में एक पहला इंसान होगा जिसने खुद की बर्बादी का फरमान खुद अपने हाथों से लिखा है। इस लेटर को पढ़ने के बाद इसका पाप सिर्फ जुबान से ही नहीं, हाथों से मार मार के लेके जाएगा, कहीं जान से ही ना मार दे। ये पत्र तुमने लिखा है बाबा? काट देंगे।